हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं संतोष कुमार गुप्ता आज आपके लिए गाइज लेकर आया हूं एमएस वर्ड का पार्ट 5B, जिसमें हम पेज लेआउट मेनू के बारे में जानेंगे। गाइज, पिछले सेशन में पेज लेआउट मेनू में हमने आपको कुछ सेक्शन थे वो सेक्शन हमने कवर करा दिया था। आज हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा है। गाइज, हम जैसा कि अपने स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं, मेन हम अपने टॉपिक पे पहुंच चुके हैं और ये हमारा एमएस वर्ड खुल चुका है। एमएस वर्ड में हमारा पेज लेआउट मेनू है। पेज लेआउट मेनू में गाइज हमने थीम सेक्शन, पेज सेटअप सेक्शन और पेज बैकग्राउंड सेक्शन, ये तीन सेक्शन हमने कवर किया था। आज हम कवर करेंगे पैराग्राफ सेक्शन और अरेंज सेक्शन। गाइज, ये दोनों सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। इन दोनों में आज हम ये जानेंगे कि पैराग्राफ का इंडेंट लेवल कैसे घटाते बढ़ाते हैं, पैराग्राफ में हम स्पेसिंग कैसे देते हैं, बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग कितनी होती है। ट्रिपल्स एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट लाइन की स्पेसिंग कितनी होती है। पैराग्राफ में हम आपको बिफोर की स्पेसिंग और आफ्टर स्पेसिंग ये कितना घटा बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में बताएंगे। ऐसे बहुत कुछ आपको मिलेगा। एज लाइक अरेंज सेक्शन में जब हम चलेंगे तो आपको टेक्स्ट की रैपिंग करना, टेक्स्ट को फ्रंट करना, बैक करना, ग्रुप करना, रोटेट करना, ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी। एक एक करके हम जानते हैं, देरी ना करते हुए आइए अब समझते हैं पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन के लिए गाइस सबसे पहले हम कोई एक स्टोरी टाइप कर लेंगे। स्टोरी टाइप करने से थोड़ा हमारा पेज भी भरा हुआ नजर आता है। देन इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे इंडेंट है। इंडेंट में हमारा ये सेंटीमीटर में इंडेंट की माप भी की जाती है, यानी स्केल जो स्केलिंग है वो सेंटीमीटर में होगी। अब अगर हम ये इंडेंट लेबल लेफ्ट की तरफ इंक्रीज करते हैं तो देखिए लेफ्ट की तरफ हमारा जा रहा है इस तरीके से, ऐसे जितना चाहें उतने सेंटीमीटर की दूरी पर हम कर सकते हैं। जैसे ये हमने राउंड फिगर में 2 सेंटीमीटर की दूरी पे ये स्पेसिंग लगा दी। गाइज, इसके बाद में हम यहां से अगेन वापस जाएंगे ऐसे, या फिर हम चाहें तो इस तरीके से, देखिए ये जो हमारा राइट है इंडेंट का, इस तरीके से हम राइट इंडेंट लगा सकते हैं, ये कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अगर हमें अगेन लेफ्ट साइड में जाना है तो हम लेफ्ट साइड में भी जा सकते हैं, ऐसे डिक्रीज कर देंगे, ये हम लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। ये हमने देखा इंडेंट लेबल कैसे राइट और लेफ्ट की तरफ घटाते हुए बढ़ाते हैं। अब हम चलते हैं गाइज, नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग के लिए हम कंट्रोल ए करेंगे, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। स्पेसिंग में हमारा बिफोर है और आफ्टर है। बिफोर में यहां से देखिए ऑटो कर दिया, ऑटो में इस तरीके से होगा। यदि हम ऑटो नहीं करते हैं तो मैनुअल भी कर सकते हैं। 6 पॉइंट 12 पॉइंट 18 पॉइंट 24 पॉइंट, ऐसे ऐसे हम ये जो भी हमारे पैराग्राफ हैं, जैसा कि इसमें 3 पैराग्राफ आप देख पा रहे हैं, तीनों पैराग्राफों के बीच स्पेस कैसे देंगे वो हम यहां से कर सकते हैं। देन हमारा स्पेसिंग में आफ्टर आता है, ये बिफोर का था। अब आफ्टर में हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट 10 PT यानी 10 पॉइंट में ये रहता है, और हम चाहें तो ऐसे आफ्टर में भी स्पेसिंग को घटा बढ़ा सकते हैं। आई थिंक गाइज ये दो आपने क्लियर कर लिए हैं, पैराग्राफ सेक्शन के इंडेंट लेवल और स्पेसिंग। देन अब हम चलते हैं अरेंज सेक्शन। अरेंज सेक्शन में गाइज, अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। इनमें हम ऑब्जेक्ट को व्यवस्थित कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को फ्रंट और बैक कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कैसे ये प्रक्रिया हम यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा सारा ऑप्शन हाइड है। यहाँ सेंट, बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, टेक्स्ट रैपिंग और पोजिशन, ये हाइड है। ये गाइज तब चलेंगे जब सबसे पहले हम कोई ऑब्जेक्ट लेंगे। सपोज दैट कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट को लेने के लिए हम इंसर्ट में गए, यहाँ पे शेप्स है, आपको जो अच्छा लगे वो शेप्स आप ले सकते हैं। जैसे गाइज हमने ये शेप्स ले लिया, इस शेप्स को ऐसे हम जैसा चाहें वैसा ड्रैग करके छोटा बड़ा मीडियम इत्यादि कर सकते हैं। शेप्स का अगर हम कलर बदलना चाहते हैं गाइज तो यहां से हम शेप्स का कलर बदल सकते हैं। और अगर हम इनको रोटेट करना चाहते हैं तो इधर किसी भी डायरेक्शन पे हम रोटेट कर सकते हैं। ये था रोटेट करना। अब इसी में हमारा देखिए पोजीशन ऑप्शन, रैपिंग, ये सारा का सारा ऑप्शन हमारा
हाईलाइट हो गया, यानी अब ये इनेबल्ड है, अब हम इस पे काम कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले पोजीशन है, देखिए जिस तरीके से हम इनको जहां चाहें वहां हम इनका पोजीशन चेंज करा सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही चेंज हो रहा है। तो यहां से हम इस तरीके से पोजीशन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइज हमारा टेक्स्ट रैपिंग। अब टेक्स्ट रैपिंग में देखिए अगर हम इनको बीच में रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो देखिए ऑलरेडी टेक्स्ट रैपिंग हमारा लगा हुआ है। कहीं भी रखें हमारा कोई भी चारों तरफ का टेक्स्ट ये कटता नहीं है। अगर यही हम टेक्स्ट रैपिंग ना लगाएं, हम फर्स्ट पे कर दें इनलाइन विद टेक्स्ट, तो देखिए अगर हम कहीं बीच में भी रखेंगे तो दाएं बाएं का उतना टेक्स्ट हमारा गायब हो जाता है, जो दिखने में बहुत ही भद्दा लगता है। अगर यही हम टेक्स्ट रैपिंग कर देते हैं, स्क्वायर कर दें, तो देखिए इस तरीके से हम कहीं भी रखें हमारा कोई भी टेक्स्ट कटे पिटेगा नहीं। और हम अगर टाइट कर देते हैं तो ऐसे आएगा, इससे भी हमारा टेक्स्ट ये ऑटो एडजस्ट कर लेता है, टेक्स्ट कहीं भी हो शेप्स से टेक्स्ट को आपस में ये एडजस्ट करता है। तो ये हो गया हमारा गाइज टेक्स्ट रैपिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड टू बैक। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड टू बैक के लिए सबसे पहले हमें दो ऑब्जेक्ट लेना होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने ले रखा है, एक हम कोई और चूज कर लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम ऊपर रख देंगे। दो ऑब्जेक्ट है, एक हमारा फ्रंट है एक बैक है। अब हम चाहते हैं ये जो ब्लू वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम इसके जो पीछे एरो वाला ऑब्जेक्ट है इसके पीछे कर दें, तो हमें करना पड़ेगा सेंड टू बैक। देखिए सेंड टू बैक ऑप्शन है, सेंड टू बैक पे क्लिक करने के बाद गाइज जैसे अगर ये अभी नहीं अगर जा रहा है, अगेन आप देख सकते हैं इस पे हम रखेंगे और यहां से हम करेंगे सेंड बैकवर्ड। अगर सेंड बैकवर्ड से आपका नहीं जा रहा है गाइज, तो आप क्या करेंगे सेंड बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। इससे देखिए हमारा ऑब्जेक्ट ये पीछे चला गया और पीछे वाला आगे आ गया। इसी तरीके से अगर हम करते हैं ब्रिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी फ्रंट ब्रिंग पे करते हैं, फ्रंट पे करते हैं, तो देखिए ये फ्रंट पे आ गया। इस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के आगे पीछे अगर करना चाहते हैं तो ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग बैक सेंड बैकवर्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। गाइज इसके बाद हमारा ऑप्शन है सिलेक्शन पेन है। सिलेक्शन पेन में हमको कुछ नहीं करना है, यहां से अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो दूसरे पे जा सकते हैं, पहले पे जाना चाहे तो पहले पे, यानी जो भी ऑब्जेक्ट हमको जो भी शेप से चूज करना है उस पर हम यहां से पहुंच सकते हैं। ये था हमारा सिलेक्शन पेन। नेक्स्ट हमारा अलाइन आता है। गाइज अलाइन के लिए आप जानते भी होंगे अलाइनमेंट कई सारे हैं, जैसे हमारा लेफ्ट अलाइन है, सेंटर है, राइट है, टॉप है, मिडिल है, बॉटम। अगर हम लेफ्ट अलाइन करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है सॉरी हमारा जो शेप्स है यानी ऑब्जेक्ट है लेफ्ट में जाएगा, सेंटर करते हैं तो सेंटर की तरफ जाएगा, राइट करते हैं तो राइट की तरफ जाएगा। गाइज इसी तरीके से हम टेक्स्ट को भी करते हैं, जो कि चार प्रकार के हैं टेक्स्ट भी हमारे, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। इनके शॉर्टकट की भी होते हैं, जैसे कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट हो गया, कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट और कंट्रोल जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट। इसी तरीके से हम टॉप पे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, मिडिल में कर सकते हैं और हम सबसे बॉटम पे भी कर सकते हैं, देन हम फिर टॉप पे करेंगे, फिर हम टॉप पे पहुंच सकते हैं। तो ये था गाइज हमारा अलाइन सेक्शन। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है। ग्रुप गाइज तब चलेगा जब हम दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यानी एक ये सेलेक्ट है, हम कंट्रोल बटन के साथ दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप ऑप्शन हमारा ये हाईलाइट हो जाता है, यानी इनेबल हो जाता है। ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे, देखा आपने कि दोनों ऑब्जेक्ट ये ग्रुप हो गया। अब इनको हम किसी एक को भी पकड़ेंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे, इनको पकड़ते हैं तो ये भी जाएंगे, यानी ये एक साथ दोनों बंध चुके हैं एक दूसरे से। गाइस जब अगर हम इनमें ब्रेकअप करवाना चाहते हैं, अगर इनको हम एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, अपार्ट करना चाहते हैं, तो अनग्रुप ऑप्शन का यूज करेंगे। देखिए ये दोनों फिर अलग अलग हो गए, इनको हम जहां चाहे वहां रख सकते हैं और इनको भी जहां चाहे वहां हम रख सकते हैं। तो ये था गाइज ग्रुप और अनग्रुप। ध्यान रहे ये दोनों ऑप्शन तभी इनेबल्ड होंगे जब हम दोनों ऑप्शन को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा रोटेट आता है। रोटेट में गए, यहां से इस तरीके से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट 90 डिग्री, राइट 90 डिग्री, जैसा भी हम करना चाहें यहां से कर सकते हैं।
और यहाँ पे गाइज लास्ट में हमारा साइज है। इस तरीके से इनकी साइज हम कम ज्यादा जो भी करना चाहें वो हम कर सकते हैं। तो ये था गाइज हमारा अरेंज सेक्शन, जिसमें हमने टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इनको एक दूसरे के साथ कंबाइन करना, एक दूसरे के फ्रंट बैक करना, ग्रुप करना, अलाइन करना और इनकी साइज देना, ये सब हमने सीखा। आई थिंक आपको गाइज अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।